जने क्रम में हम आ गए हैं नालंदा जिले में और उस जगह पर है जहां पर राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। चले दिखाते हैं क्या स्थिति है यहां पर, उसके निर्माण की क्या कुछ है, चले दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बिहार के विकास की तस्वीर आप तक, आपके दोस्तों तक मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और लोगों को भी दबाने के लिए कहिए सब्सक्राइब करने के बाद। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। हो इनसे इनका प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है और हम अभी उसके लोकेशन पर हैं। मेन रोड से थोड़ा सा अंदर जाने पे इसका निर्माण चल रहा है। राजगीर से लगभग 3-4 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको ये निर्माण होता हुआ दिख जाएगा। इसके आगे पुलिस एकेडमी है, फिल्म सिटी है, आईटी सिटी जो अभी प्रपोज्ड है, पीछे में नालंदा यूनिवर्सिटी है। पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के तलहटी में इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये रास्ता है जो 10 दिन पहले बारिश की वजह से गीला था, कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन जब मैं गया तो ये सूखा हुआ मिला। आप लोगों के तरफ से काफ़ी डिमांड होता रहता है इस स्टेडियम का अपडेट देने का और मेरी कोशिश भी रहती है कि समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहें। ये दूसरा अपडेट है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का। निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हम आपको दिखा रहे हैं। अगला अपडेट इसके मॉडल का होगा, जो क्रिकेट स्टेडियम का मॉडल है वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, उसकी झलक इस वीडियो के अंत में आपको दिखेगी। ये लोकेशन आपको दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट का जहां पर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। काफ़ी सुंदर लोकेशन, काफ़ी अच्छी जगह और प्रकृति की गोद में कहें तो ये निर्माण चल रहा है। यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर का वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री के उस पार इसके जो हैवी स्ट्रक्चर का निर्माण होना है वो होना है और ये बाउंड्री के इस पार जो स्टेडियम है ये उसका निर्माण चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर अब आकार लेने लगा है, दिखने लगा है कि क्या निर्माण हुआ, यानी कि फाउंडेशन वर्क जो है कुछ जगह पे कंप्लीट हो चुका है, अब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार काम किया जा रहा है, जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी टेक्नीशियन हैं वो काम लगातार कर रहे हैं। इसके पहले हमने नालंदा यूनिवर्सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी और राजगीर रोपवे, राजगीर टूरिस्ट गाइड मैप का अपडेट दिया था। उसके पहले महात्मा गांधी सेतु का 2 अपडेट, पीपा पुल का अपडेट दिया था। इस वीक का ये सारा अपडेट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि बिहार के विकास की तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। ये स्ट्रक्चर है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिवाली गिफ्ट होगा, इस स्टेडियम का जो मॉडल है वो हम दिखाएंगे, जो मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट होगा आपके लिए। और उसके बाद राजगीर गया 4 लेन का अपडेट हम आपको देंगे। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, उम्मीद है 5 मिनट के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्त परिवारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फिर मिलेंगे, जय भारत, जय बिहार।